हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर। क्वांट की आज 13वीं क्लास है और हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। ट्रेन्स के बारे में कुछ जानेंगे कि कैसे आप ट्रेन्स के क्वेश्चन इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट समझ लेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं जो मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताई थी। तो एवरेज स्पीड में मैंने आपको 2 का केस बताया था, ठीक है, लेकिन अगर 3 या 4 या 5 इस तरह से ज्यादा स्पीड आ जाए तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो ये केस लगता है आपका तभी जब आपका डिस्टेंस जो है वो आ जाता है कांस्टेंट। तो अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है हर केस में, तब आपकी लगती है ये ट्री वाला केस। तो यहां पे मान लीजिए आपकी स्पीड है 5, 10, 15 और 20, ठीक है, 4 आपकी स्पीड्स है, चारों स्पीड जो है उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करते हैं हम, यहां पे आप लेंगे एलसीएम चारों का, तो आ जाएगा 60, यहां आ जाएगा 12, 5 से काटेंगे 60 को तो आ जाएगा 12, 10 से काटेंगे 60 को तो आ जाएगा 6, 15 से काटेंगे 60 को तो आ जाएगा 4, 20 से काटेंगे 60 को तो आ जाएगा 3। अब क्या करना है, आपने 60 से डिवाइड करना है इन चारों को ऐड करके। चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 + 4 = 22 + 3 = 25। ये आ गया। अब क्या करना होता है, आपने ये तो आ गया आपका, ठीक है, अब यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो जितनी आपने स्पीड्स ली हैं, ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां पे 3 स्पीड्स होती तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वही आ जाती है आपकी एवरेज स्पीड। तो आपको मल्टीप्लाई जरूर करना है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका, इसको आप काटेंगे तो 25 से 5 से काटेंगे, यहां आ जाएगा 12, तो 12 चुके 48 और 5, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि आपकी ट्रेन से रिलेटेड है, तो वो है आपकी रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या चीज होती है, तो दो स्पीड्स है मान लीजिए, ठीक है, एक ट्रेन है ट्रेन 1, एक है ट्रेन 2, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है दोनों वेस्ट से, तो यानी कि इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो मान लीजिए ट्रेन 1 की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन 2 की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो इनकी स्पीड हो जाएगी माइनस, तो बड़े में से आपको छोटे को करना है माइनस, तो ये आ जाएगी इनकी 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे आपको एक और चीज समझनी है कि अगर आपकी डायरेक्शन सेम है तो ये आएगा माइनस का, और अगर आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तब क्या आएगा, तब आ जाएगी आपकी दोनों स्पीड्स हो जाएंगी ऐड, ठीक है। अगर ये भी ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और ये चीज वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तब इन दोनों की स्पीड हो जाएगी ऐड। अब ये क्यों हो जाएगी ऐड, आप इमेजिन करिए एक ट्रक है, ठीक है, एक बस है, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जब इनका इंपैक्ट होगा तो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होगा जब ये साथ में एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तब इंपैक्ट ज्यादा बड़ा होगा, रेदर देन एक ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरी बस इस डायरेक्शन में जा रही है, तब अगर एक दूसरे से टकराएंगे तब एक्सीडेंट जो होगा वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझनी है, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जब एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तब क्या होगा, दोनों के बीच में जो दूरी तय की गई होगी, ठीक है, ये जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जा रही है 20 की स्पीड से, ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अगर एक घंटे की बात करें तो इसने 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, 10 किलोमीटर है यहां तक, इसकी बात करें तो इसने कितना कवर किया, इसने कर लिया 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना है, इसने 10 कर लिया इसने 20, तो रिलेटिव डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा आपका 10 किलोमीटर। तो यहां से आपको समझना है कि जो रिलेटिव स्पीड आएगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस होती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होती है। अब आपको एक और चीज समझ लेनी है यहां पे, कि मान लीजिए दिल्ली से आगरा आपको जाना है, 600 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, लेट्स सपोज 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक ट्रेन चलती है दिल्ली से आगरा की तरफ, एक ट्रेन चलती है आगरा से दिल्ली की तरफ, ठीक है। अब यहां पे ट्रेन 2 है, अब इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंट पे आके सी पॉइंट पे आके मिल गए, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, तो ट्रेन ए ने कुछ किया, ट्रेन बी ने कुछ किया, लेकिन टोटल हो गया ट्रेन ए का डिस्टेंस प्लस ट्रेन बी का डिस्टेंस, ये आ जाएगा आपका 600 किलोमीटर के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपका ये,
टोटल टाइम टेकन आपको दिया होगा या दोनों की स्पीड गिवन होगी, तो उस तरीके से आप इसका टाइम टेकन निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, इफ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 30 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक कोई पोल है, ठीक है, उसको कवर करेगी ये 30 सेकंड में, मतलब कि एक ट्रेन आई यहां से और ये पूरा इसको पास कर गई, यहां पे पहुंच गई, ठीक है, यही ट्रेन इसको क्रॉस करके पहुंच गई यहां पे, मतलब कि पोल पहले यहां पे था, फिर यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा, तो इसको क्रॉस करता करता ये पोल इससे पीछे छूट गया, ठीक है, इसका मतलब कि पोल ने पूरी लेंथ कवर की है। अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करें तो इस पोल ने इसकी पूरी लेंथ कवर की है, यानी कि पोल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस आपका यहां पे आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर, ठीक है, यहां पे आपको ये चीज ध्यान से समझनी है, जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। तो ट्रेन्स वाले केस में आपको डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लेंथ ऑफ द ट्रेन, या फिर अगर यहां पे पोल की जगह प्लेटफॉर्म होता, ठीक है, ये ट्रेन है, अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म होगा आपका ट्रेन का प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहां से स्टेशन आपका यहां से यहां तक खत्म होगा, तो ये ट्रेन क्या कवर करेगी डिस्टेंस, एक तो ये अपना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, एक तो यहां से पहले यहां तक आएगी, ठीक है, उसके बाद यहां पे आएगी, फिर ये कवर कर जाएगी जब, ठीक है, इसको पूरा क्रॉस कर जाएगी, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक तो प्लेटफॉर्म का किया कवर, साथ में इसने अपना डिस्टेंस भी कवर किया, ठीक है, ट्रेन को पूरा आगे निकलना है प्लेटफॉर्म से, सिर्फ ट्रेन का ड्राइवर को आगे नहीं निकलना है, ठीक है, यहां तक तो ट्रेन ने कवर कर लिया था प्लेटफॉर्म, अगर यहां तक की बात करें तो, लेकिन ट्रेन का पीछे का जितना भाग है वो अभी भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद था, तो यहां पे इसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया इस पॉइंट पे आके। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, स्पीड आपकी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आर, अब आपको यूनिट्स का भी खास ध्यान रखना होता है, यहां सेकंड है, यहां पे आर है, या तो आप आर में कन्वर्ट कर लीजिए यहां, या फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो लेंथ जब आपको निकालनी होती है तो आप मोस्टली मीटर में निकालते हैं, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं कन्वर्ट, मैंने आपको बताया था 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई, इसको आप काटेंगे, ठीक है, 2 से काट लीजिए तो आ जाएगा 9 और यहां पर आ जाएगा 30, तो यहां पर कटेगा नहीं, अब आगे 3 से कट जाएगा 3, यहां पर 10, तो आ जाएगा 50/3, ये आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में स्पीड। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने आपको बताया क्या होगा डिस्टेंस, तो यानी कि डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर होगी, तो ये होगी आपकी स्पीड इनटू टाइम के बराबर। ये आपको फॉर्मूला भी पता है, स्पीड क्या है यहाँ पे 50/3 और टाइम कितना है तो 30 सेकेंड, तो ये 10 से कट जाएगा तो आ जाएगा 500 मीटर है आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इस तरीके से करना आपने क्वेश्चन को सॉल्व। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकंड। तो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि प्लेटफॉर्म का आपको केस कैसे करना है, प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, अब डिस्टेंस की वैल्यू आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगी। अब स्पीड आपकी यहां पे फिर से आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में, तो 72 को करिए 5/18 तो आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में 18, 4 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा 5×20, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 260 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया 23 सेकंड में, तो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन आपको निकालनी है, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है, यानी कि डिस्टेंस आपको क्या लिखना है यहां पे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको पता नहीं है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन को हम ये लिख लेते हैं, प्लस आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है 260 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपको आगे क्या क्या पता है, तो टाइम पता है आपको 23 सेकंड प्लस स्पीड पता है आपको 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड इंटू 23 सेकंड, ठीक है। अब यहां से आप एलटी की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, अब 23 को मान लीजिए 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 23 को 2 से करिए 46 और 10, तो ये 10 और ये 260 को आप एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, 260 को आपने यहां पे माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 200 मीटर, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी कि एक स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है,
ठीक है, इसकी स्पीड है ये, एक प्लेटफॉर्म वो क्रॉस करती है, तो यानी कि ये ट्रेन है, यहां पे प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करेगी, इसकी जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की वो दी गई है 2 times ऑफ, यहां पे दिया गया डबल ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि अगर ट्रेन की लेंथ LT है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 2 times LT, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब ये कितनी देर में इसको पूरा क्रॉस कर लेगी, मतलब कि ये ट्रेन कब यहां पे पहुंच जाएगी, तो ये 32.4 seconds लेती है, तो टाइम आपको पता है, आपको स्पीड पता है, स्पीड को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि आपका टाइम दिया गया है मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आर को करेंगे मीटर पर सेकंड में, कैसे, 5/18 से, इसको काटेंगे आप 6 से, 6 तिया, इसको काटेंगे 6 से, यहां आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 50/3, यह आ जाएगी आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। अब आपको यहां पे डिस्टेंस क्या बन जाएगा, तो डिस्टेंस आपका बन जाएगा LT प्लस, अब LT तो ये होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ऐड करेंगे, तो 2 times LT, यह आ गया आपका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 50/3 इंटू टाइम कितना है 32.4 सेकेंड्स, और ये क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे आप इन दोनों को काट देंगे सेकेंड से सेकेंड, तो यहां पे यूनिट्स आपकी मीटर बन जाएगी। अब 3 से बनाइए इसको, 1.08, अब 0 से ये डेसिमल हटके इसके आगे चला जाएगा, तो 1.108 बन जाएगा, ठीक है। अब 5 को 108 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको कैसे करना है, आपको बस 108 को डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है 0 से, यानी कि मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, एक 0 ऐड कर देनी है, तो 5 को आप 10/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप बस 2 से इसको डिवाइड करिए 108 को, तो क्या आ जाएगा 54, और एक 0 आगे लगा देनी है, ठीक है, तो 540 यहां पे आ जाएगा, और LT प्लस 2 LT क्या होता है 3 LT, तो ये आ जाएगा 540 के बराबर। अब 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा, फिर 0, यानी LT की वैल्यू आ गई अगर आपके पास 180, तो 2 LT की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपको पूछा गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो 2 LT है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो इसका दुगना, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 × 2 = 360, ये आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इस क्वेश्चन को आप इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन विद अ स्पीड ऑफ 72 km/h इन 15 seconds, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर लॉन्ग देन इट इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले तो समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है पहले तो 72 km/h की स्पीड से 15 seconds में। अब यहां पे आपको ये नहीं दिया गया कि मैन स्टेशनरी है या मूव कर रहा है, ठीक है, तो केसेस आपको ये भी आ सकते हैं कि मैन मूव कर रहा है, लेकिन यहां पे आपको गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो मैन है वो स्टेशनरी है, एक ही पोजीशन पे वो खड़ा हुआ है। अब 72 km/h किसकी स्पीड है, ट्रेन वन की, ठीक है, ये है स्पीड ऑफ ट्रेन वन 72 km/h, टाइम लेता है 15 सेकेंड, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, आपको दो चीजें गिवन है, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको निकालनी है स्पीड और टाइम की हेल्प से, ठीक है, तो यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है आपका सेकंड में, तो स्पीड को करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, 5/18 के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, अब ये अनदर ट्रेन को हम मान लेते हैं ट्रेन टू विच इज 50% मोर लॉन्ग देन इट, ठीक है, 50% ज्यादा है, पहले हम लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेते, तो 18 से काटेंगे इसको 4 आ जाएगा, 15 × 60 = 300, ठीक है, 300 meters आ गई आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन वन। अब आपको बोला गया कि दूसरी ट्रेन की लेंथ 50% ज्यादा है, अब 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है, अब 50% ज्यादा है यानी कि 2 में 1 की वृद्धि, यानी कि 2 + 1 = 3/2, या वैसे समझ लीजिए 100% ये पहली ट्रेन है, 50% उसमें और ऐड करेंगे, ठीक है, मोर दिया गया तो और ऐड करेंगे, यानी कि 150% है वो, ट्रेन टू जो है वो 150% है ट्रेन वन के, तो ट्रेन वन कितना है, अब 150% का मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3/2, तो आप जैसे मर्जी 3/2 यहां पे लिख सकते हैं, 3/2 किसका, 300 का, तो यहां पे 2 से कटेंगे आएगा 150, 150 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 450 meters, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन टू। तो आपको दोनों ट्रेन की लेंथ आ गई। अब यहां पे दिया गया है आपको
पूछा गया कि फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन। अब किसकी बात हो रही है, इट कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है क्योंकि पहले भी ट्रेन की बात हो रही थी। तो ट्रेन वन कितनी देर में ट्रेन टू को क्रॉस कर लेगी जब दूसरी ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे दूसरी ट्रेन की हमें स्पीड नहीं निकालनी क्योंकि दूसरी ट्रेन स्टेबल है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप दोनों की स्पीड देख सकते हैं, दोनों की लेंथ देख सकते हैं, 300 और 450। तो 300 है आपकी ट्रेन वन की लेंथ और 450 है ट्रेन टू की लेंथ, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको गिवन है यहाँ पे। अब आपको बोला गया है कि दूसरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, तो यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा दोनों की। अब एक ट्रेन ये है, ये मूव कर रही है, एक ट्रेन स्टेबल है एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये पहले यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी, फिर यहाँ से निकलते निकलते ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब कि ये एक अपनी लेंथ कवर करेगी यहाँ से, साथ में ये इस पूरी लेंथ को कवर करेगी, मतलब दोनों ट्रेन्स की लेंथ कवर करेगी। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू इज इक्वल टू। अब स्पीड कितनी है, तो एक ही ट्रेन मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन तो स्टेबल है, ठीक है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म वाला केस बन गया। ट्रेन की जगह अगर आप प्लेटफॉर्म मान ले ट्रेन टू की जगह, तो भी आपका केस सेम ही है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 72 किलोमीटर पर आर है स्पीड, ठीक है। अब आपको निकालना है टाइम, तो 72 किलोमीटर पर आर को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 5/18, और आपने निकाला थे 4 से, इसको करेंगे तो आ जाएगा 20। यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, दोनों को ऐड करके क्या आएगा, एक है 300 एक है 450, तो आ जाएगा 750 मीटर में, और यहाँ पे है 20 × p, बस इसको इससे डिवाइड करना है और आपका सेकंड में जो है वो टाइम आ जाएगा। तो क्या आएगा, 0 से 0 कटेगी और ये काटेंगे आप 37.5, ये आ जाएगा आपका टाइम सेकंड्स में, ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज, ठीक है, 7:9 इन सेम डायरेक्शन, इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेस द गुड्स ट्रेन इन 60 सेकंड, फाइंड व्हाइल अ पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट ही क्रॉसेस द गुड्स ट्रेन इन 35 सेकंड। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पहले एक गुड्स ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन है और दोनों की स्पीड की रेशियो दी गई है 7:9, यानी कि अगर स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन है 7x तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन होगी 9x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है ध्यान से सारा क्वेश्चन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगला आगे यहाँ से आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है, इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेस द गुड्स ट्रेन इन 60 सेकंड्स, ठीक है। अब ट्रेनों की बात हो रही है दोनों की, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी ट्रेन की, यह आ जाएगी आपकी 9x - 7x। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं बाद में आपको बताऊंगा कि यहां पे आपको x नहीं लेना है और वो क्यों नहीं लेना है, ठीक है। आगे स्टेटमेंट दे रखी है, व्हाइल अ पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन। अब ये देखिए यहां पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, ये आपकी पैसेंजर ट्रेन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये आपका पैसेंजर है, ठीक है, इस प्लेस पे वो मिडल में कहीं बैठा है। अब ये ऑब्जर्व करती कि उसने क्रॉस किया गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में, ठीक है, तो गुड्स ट्रेन कहीं यहां पे होगी, ठीक है। तो इसकी विद रिस्पेक्ट में देखें तो जो गुड्स ट्रेन है उसने सिर्फ इसको पास करना है, ठीक है, इसने पूरी ट्रेन से इसको कोई मतलब नहीं है, इस प्लेस से, इस मैन से मतलब है, इसे, इस पैसेंजर से इसे मतलब है। अब ये इसको क्रॉस कैसे करेगी, जब ये यहां पे पहुंच जाएगी तब इसकी क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, और जब ये यहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है, तब इसकी क्रॉसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि बस इतना इसे क्रॉस करना है। तो इतना क्रॉस करने का मतलब, अब ये मैन भी मोशन में है, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं तो क्या होता है कि अगर ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आर है तो आप बस के रिस्पेक्ट में, बस के रिलेशन में तो जीरो वेलोसिटी पे, आप जीरो स्पीड आपकी, लेकिन अगर आप रोड की विद रिस्पेक्ट टू देखें तो आपकी स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आर ही है, क्योंकि तभी आप जब चलती हुई बस से उतरेंगे तब एक मोशन के साथ आप उतरते हैं, तो आप उस स्पीड में होते हैं, क्योंकि, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आर की आपकी स्पीड होगी जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं कि अब आपकी स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे जो पैसेंजर बैठा है उसकी स्पीड कितनी होगी, तो पैसेंजर की स्पीड होगी जितनी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, तो वो कितनी है, 9x, तो इसकी स्पीड आ जाएगी आपकी 9x, और गुड्स ट्रेन की स्पीड कितनी है, 7x, यानी कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2x,
ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। अब आपको दिया गया है कि पैसेंजर जब ऑब्जर्व करता है कि गुड्स ट्रेन को उसने क्रॉस किया तो उसको 35 सेकंड लगे, तो यहां पे लेंथ कितनी पास हुई है। अब ये मैन की तो कोई लेंथ है नहीं, ठीक है, मैन तो एक पोल को मान लीजिए या फिर एक स्टेबल पर्सनैलिटी कुछ भी है, उसकी तो कुछ लेंथ है नहीं एक्सेप्ट वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जब भी मैन पोल इनकी लेंथ आप जीरो मानते हैं, ठीक है। अब यहां पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसकी लेंथ होगी जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है वही आ जाएगा आपका डिस्टेंस, ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब स्पीड कितनी है, तो रिलेटिव स्पीड है आपकी 2 सेकंड, 2x, ठीक है। और यहां पे आपका टाइम कितना लगा है, 35 सेकंड। अब यहां पे आप एक्स क्यू निकाल सकते हैं, तो यहां पे आपको पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन टू द पैसेंजर ट्रेन। तो अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो लेंथ में, अगर लेंथ को ही डिवाइड करना है तो दोनों में एक्स आएगा, तो दोनों का एक्स लास्ट में कट जाएगा, तो इसलिए आप एक्स स्टार्टिंग में ही इलिमिनेट कर सकते हैं। जब आपको रेशियो पूछी गई है तो आप एक्स स्टार्टिंग में इलिमिनेट कर सकते हैं, यहां पे हर केस में आप एक्स इलिमिनेट करिए और यहां पे बस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो यहां से आपका लेंथ आ जाएगी गुड्स ट्रेन की कितनी आ जाएगी, 35 × 2 आ जाएगी 70 मीटर, ठीक है। अब यहां से आप लेंथ किसकी निकालेंगे, तो फर्स्ट केस में देखिए, इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेस द गुड्स ट्रेन, मतलब कि पैसेंजर ट्रेन ने क्रॉस करना है गुड्स ट्रेन को, ठीक है, ये यहां से मूव करेगा यहां तक, तो यानी कि अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगा और गुड्स ट्रेन की लेंथ भी क्रॉस करेगा, मतलब कि लेंथ ऑफ पैसेंजर पर लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन ये किसके बराबर होगा, दोनों की रिलेटिव स्पीड जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना लगा है 60 सेकेंड, तो यह आ जाएगी 120, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन। लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन है 70, पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन टू द पैसेंजर, मतलब कि लेंथ ऑफ जी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ पी पूछा गया आपको, तो लेंथ ऑफ जी तो आपको पता है 70, लेकिन लेंथ ऑफ पी आपकी यहां से निकल जाएगी जब आप लेंथ ऑफ जी पुट करेंगे, तो लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन आप 70 पुट करें तो लेंथ ऑफ पी कितनी आ जाएगी 50 मीटर, तो लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन क्या आ जाएगी 70, लेंथ ऑफ पैसेंजर कितनी आ जाएगी 50, तो आ जाएगा 7/5, तो यही आ जाएगी आपकी रेशियो ऑफ गुड्स ट्रेन टू द पैसेंजर ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन पास टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में पास करेगी, मतलब के एक ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब दिया गया कि दो लोग मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज मूविंग, मतलब ट्रेन से ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली डायरेक्शन, एक है यहां पे एक है यहां पे, इन दोनों को पास करेगी, पहले वाले को उसने पास किया 5 मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड, ठीक है, इसको पास किया तो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इनको कितनी कितनी देर में पास करेगी, तो इसको करेगी 6 सेकेंड में, इसको करेगी 5 सेकेंड में, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ट्रेन की आपको लेंथ निकालनी है लेकिन आपको ट्रेन की स्पीड नहीं पता, तो लेंथ ऑफ ट्रेन जब उसने पहले को पास किया यानी कि पहले आदमी को पास किया, मैन वन को पास किया, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन आपका डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, तो ट्रेन की आपको स्पीड पता नहीं है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड आपको पता नहीं है लेकिन आपको ये वाली स्पीड पता है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपकी, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो यानी कि ट्रेन की स्पीड और मैन वन की स्पीड हो जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड इस केस में, तो ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड कितनी है 5, यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, तो टाइम कितना गिवन है 6 सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन दूसरे केस में, ठीक है, ये भी डिस्टेंस इस पर यही बनेगा, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, ट्रेन की स्पीड प्लस मैन टू की स्पीड, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड प्लस मैन टू की स्पीड कितनी है 10, मल्टीप्लाई बाय कितनी देर लग रही है 5 सेकेंड। अब ये दो इक्वेशंस को या तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ टी इरेज करके आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो पहले आप इसको इक्वेट करके देखिए, फिर आपको वहां से टी एस की वैल्यू निकल जाएगी और उसकी वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करके एल टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर आप इक्वेट करेंगे तो टी एस प्लस 5 × 6 इज इक्वल टू टी एस प्लस 10 × 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 TS + 30 इज इक्वल टू 5 TS + 50। अब यहां से टी एस यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी एस 6 में से 5 माइनस होगा, यहां पे कितना बन जाएगा
50 में से 30 माइनस होगा तो बचेगा 20, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको पता चल गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ ट्रेन आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू सब्सिट्यूट करिए तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू TS की वैल्यू है 20 प्लस 5 इस इक्वेशन में, ठीक है, इंटू 6, तो 20 प्लस 5 25 इंटू 6 क्या होता है 150, तो ये आ जाएगी आपकी 150 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन गिवन है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली रन ऑन पैरेलल लाइन, रन इन सेम डायरेक्शन, दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, यहां से आपकी एक ही क्वेश्चन बन जाएगी, बट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। तो यहां पे आपको दिया क्या क्या, सबसे पहले ये देखिए आपको लेंथ दी गई है ट्रेन 1 की भी और ट्रेन 2 की भी, कितनी कितनी है, 1 की मान लीजिए 100 है तो सेकेंड की आ जाएगी 80 मीटर, ठीक है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। अब दे रन इन सेम डायरेक्शन तो 18 सेकेंड में, ऑपोजिट डायरेक्शन तो 9 सेकेंड में, तो दोनों केस देख लेते हैं। पहले जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे दोनों की स्पीड को, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 ये आ जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, मैंने आपको बताया दोनों की ऑपोजिट होगी तो ऐड हो जाती है। अब यहां पे आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी, तो दो ट्रेन है, ठीक है, अब ये एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पास करना है तो ये दोनों की लेंथ जो है ये ऐड हो जाएगी। तो जब भी आपको सेम हो या ऑपोजिट हो तो दोनों केस में आपको लेंथ जो है वो दोनों की ऐड करनी है, वही बन जाता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो 100 प्लस 80 आ जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है आपकी ST1 माइनस ST2 इनटू टाइम टेकन कितना है, फर्स्ट केस में 18 सेकेंड्स, तो आपका आ जाएगा ये इक्वेशन, ये आ गई आपकी फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन। सेकेंड केस के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, आपका लेंथ और दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, यानी कि 100 प्लस 80 ही रहेगा डिस्टेंस, यहां पे स्पीड 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 ये बन जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड, इसको करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, टाइम कितना लिया है 9 सेकेंड, ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी दूसरी के लिए इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस आपके पास हैं, दो वेरिएबल्स आपको सॉल्व करने हैं, तो इजीली आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या फिर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है, या फिर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप 180 को भी काट सकते हैं या फिर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहां पे पूछा गया है, सबसे पहले ये देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, तो यानी कि फास्टर आपकी इसमें से माइनस हो रही है तो ST1 ही फास्टर होगी, तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में ST2 को इलिमिनेट करना है। तो ये कैसे इलिमिनेट होगा, पहले तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए इसको 18 को, 180 इज इक्वल टू 18 ST1 माइनस 18 ST2, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा यहां पे और 9 ही आएगा यहां पे, ठीक है, ये कट जाएगा, तो दोनों जगह 9 है, यहां पे दोनों जगह 18 है, मतलब कि आपको इसको अगर काटना है तो यहां पे 18 बनाना पड़ेगा इसकी जगह पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा, तो इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो ये 180 बन जाएगा, 180 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा 360 इज इक्वल टू 9 को करेंगे 2 से तो क्या बन जाएगा 18 ST1 प्लस 18 ST2, ये है आपकी इक्वेशन 2, ये है आपकी इक्वेशन 1, आपको बस दोनों को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि एक साइन माइनस का है एक साइन पॉजिटिव का है, तो ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 180 18 ST1 माइनस 18 ST2, ये कट जाएगा, ये क्या बनेगा 36 ST1 और यहां बन जाएगा आपका 540। अब इसको आप काटेंगे 9 से कटेगा 4 से, 9 से कटेगा 60 से और ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 15 आ गई आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन 1। अब डायरेक्शन और इसकी जो यूनिट्स हैं वो क्या आएगी, तो यूनिट्स इसकी आएंगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन मीटर और सेकंड में ही किया है, तो यहां पे 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी फास्टर ट्रेन की स्पीड, और स्लोअर ट्रेन की कितनी स्पीड आएगी, तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड आप 15 किसी भी वैल्यू में किसी भी क्वेश्चन में सब्सिट्यूट करेंगे, अगर मान लीजिए यहां पे सब्सिट्यूट करते हैं तो 18 इंटू 15 क्या होगा, तो 18 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 90, ठीक है, तो 18 180 प्लस 90 270 आ जाएगा 18 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 270 माइनस 18 ST2 किसके बराबर, 180 के बराबर, ठीक है, तो अब ये माइनस का साइन इधर जाएगा
180 यहां जाएगा, तो ये बचेगा कितना 90, और इसको करना है डिवाइड 18 से। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन कितनी आ जाएगी, 18 को करेंगे इससे डिवाइड तो आएगी 5। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से आप एक और चीज कर सकते थे, यहां से आप रिलेटिव स्पीड की, दोनों केस में रिलेटिव स्पीड की वैल्यू निकालते और फिर इन दोनों को, इसकी रिलेटिव स्पीड आती एक प्लस में होता, ठीक है, स्पीड वन प्लस स्पीड टू, एक आ जाती स्पीड वन माइनस स्पीड टू, तो दोनों को आप यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर्स द साउंड 1.5 मिनट लेटर देन गार्ड, ठीक है। अब यहां पे आपको समझना है क्वेश्चन को, तो एक ट्रेन है, इसका ड्राइवर यहां पे होगा और गार्ड यहां पे होगा, एक गन फायर की गई ट्रेन के बिहाइंड से, ठीक है, यहां से आपकी गन फायर की गई इस पॉइंट से। अब एक चीज समझ नहीं है, ट्रेन या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ठीक है। तो आप मान लीजिए इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, ट्रेन के यहां से फायर किया गया, तो आपको यहां पे ये चीज समझनी है कि साउंड जो है वो आपकी दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी साउंड मूव करेगी, ठीक है। अगर ट्रेन आपकी यहां होती, ये वाली ट्रेन होती, इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती, ठीक है, ड्राइवर यहां होता, गार्ड यहां होता, तब भी इस डायरेक्शन में मूव करती, यानी कि ट्रेन की ही डायरेक्शन में मूव करेगी, जो साउंड ऑफ गन है, ठीक है, वो ट्रेन की ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आपको ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ट्रेन के पीछे से यहां पे फायर किया गया, गार्ड को सुनाई दिया एक टाइम पे, उसके बाद 1.5 मिनट लगा उसको गार्ड से ड्राइवर तक पहुंचने में, ठीक है। उसके अलावा दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड साउंड आर 60 किलोमीटर एंड 1100 मीटर पर मिनट। यहां पे यूनिट्स का ध्यान रखिए, ये एक मिनट मीटर पर मिनट में है, ये किलोमीटर पर आर में है। स्पीड ऑफ ट्रेन है आपकी 60 किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ साउंड है आपकी 1100 मीटर पर मिनट। अब यहां पे देखिए, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है या मीटर में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट करना है या सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिया गया है मिनट में, तो आपको सिर्फ एक चीज मीटर में कन्वर्ट करनी है, आपका सारा क्वेश्चन मीटर में हो जाएगा, ठीक है, मिनट में हो जाएगा। अब यहां पे आपको अगर इसको आप आर में कन्वर्ट करते हैं, इसको आर में, ये पहले से आर में, इसको भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको दो चीजें आर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे अगर आप मीटर मिनट में करते कन्वर्ट, तब आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मीटर पर मिनट में करनी पड़ेगी कन्वर्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आर है, ठीक है, इसको मीटर पर मिनट में कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर मिनट में करना है, तो किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, किलोमीटर हट जाएगा, यहां आ जाएगा मीटर। और आर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, 60 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, तो आ जाएगा मिनट में। बस इसको आपने सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, 6 से आप इसको काटेंगे 60 को, यहां आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। अब ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ साउंड, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 1100 माइनस 1000, ये आ जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड ट्रेन और साउंड की, तो आ जाएगी 100 मीटर पर मिनट। अब स्पीड आपकी ये है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है आपको निकालनी है, स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड आपकी 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 1.5 मिनट, तो 1.5 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3/2, 2 से मल्टीप्लाई 1 से ऐड, ठीक है, तो इसको आप काट के यहां पे 3/2 लिख सकते हैं। बस आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 50 को करेंगे 3 से गुणा, तो आ जाएगा 150। तो आपको बस कंसेप्ट समझना होता है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको यहां पे कहीं भी एक्स की वैल्यू यूज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, वहीं पे आप यूज कर सकते हैं और आपका सारा आंसर हो जाएगा। तो इतने शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। इसी तरह वीडियोस को फॉलो करते रहिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपके प्रीलिमिनरी में और मेंस में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।